क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखो जब लिखा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है क्या ये समझो। जैसे कि मान लो आपका गिवन फंक्शन है fx। गिवन फंक्शन क्या है आपका? fx, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो इसका डेरिवेटिव है, ये तो आपको समझ में आ गया कि f'x होगा। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वो डेरिवेटिव को कैसे फाइंड किया जाता है? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो भी गिवन फंक्शन होगा, जब उसका डेरिवेटिव फाइंड करना बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप इस मेथड से फाइंड करोगे। ऐसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल क्या, पहला क्वेश्चन ही लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस 27। फर्स्ट क्वेश्चन में अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस 27। अब डायरेक्टली फाइंड करना तो सिंपल है। अगर डायरेक्टली मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो आपको कहोगे सर एफ डैश एक्स क्या होगा, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर और कॉन्स्टेंट 0, तो ये आंसर आना है। लेकिन आपको कैसे फाइंड करना, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि बस चेक हो गया कि मेरा जो आंसर है वो ये आएगा, ये मुझे पहले से पता है। तो अगर एफ एक्स मेरा एक्स क्यू माइनस 27 है, तो कैन आई से दैट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। यस और नो? यही होता है, ठीक है। नाउ अब देखो पहले इस वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन में आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस 27। ये तो है ही ऑलरेडी हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एफ एक्स प्लस एच। तो आपने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या होगा, जहां x है उसकी जगह x प्लस एच आ रहा है, तो जहां x है उसकी जगह क्या हो जाएगा, x प्लस एच, और पावर में 3 है। क्या ये चीज क्लियर होगी तुम्हें? अब मुझे फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये भी फाइंड कर लेते हैं, फिर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27। ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। माइनस एफ एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और माइनस में क्या हो गया, 27। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आप एग्री करते हो, ये होगा एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 27। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या रहेगी, एक्स प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखो इसको करने के दो मेथड है, कि यहां आप लगाओ a प्लस बी होल क्यूब और उसको एक्सपेंड करो, फिर उसके साथ इसको सॉल्व करो। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है, आप क्या यूज कर सकते हो, यूजिंग एक आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कोई बताएगा क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ अप्लाई करता हूँ तो देखो ये क्या होगा, ए माइनस बी, ए क्या है, एक्स प्लस एच, ए माइनस बी क्या हो गया, माइनस एक्स, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद एच, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ।
एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स, क्या हो जाएगा टू एच एक्स। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपकी जो वैल्यू है तो ये किसके इक्वल हो गई, ये तो हो गया आपका h, ये क्या हो गया h, और देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, देन थ्री एक्स स्क्वायर, देन एच स्क्वायर, प्लस में क्या ले लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं टू एच एक्स प्लस एच एक्स, कितना हो जाएगा थ्री एच एक्स, ये भी क्लियर हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, तो प्लस में हो गया एच स्क्वायर। तो इन शॉर्ट जो आप वैल्यू फाइंड कर रहे थे ये वाली वैल्यू वो इसके इक्वल आ रही है, आगे वैल्यू सिंप्लीफाई हो गया। अब लगाते हैं फॉर्मूला, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इन इक्वेशन वन, जो मैंने इक्वेशन वन लिया था, इक्वेशन वन क्या था कि जो एफ डैश एक्स है वो किसके इक्वल था लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और न्यूमरेटर में था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा एच थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एच एक्स प्लस एच स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था एच, अब एच से एच कैंसिल, जहां एच है वहां जीरो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, एच की जगह जीरो पुट करूंगा, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू क्या आ गया, और अगर आपको याद हो यही हमारा आंसर भी आना चाहिए, यही हमारा आंसर भी आना चाहिए। तो क्लियर है क्वेश्चन, चले आगे। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।